तो धीरे धीरे सभी जगह से ये लोग जैसे पूरा इंडिजोट का एक एक पार्टी का जो लीडर्स है उनके बारे में पता लग रहा है। आप देखिए 4 तारीख को रिजल्ट के बाद देखिएगा, उन लोगों को ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। पश्चिम बंगाल में जो टारगेट है आउट ऑफ 32 मिलेगा। देखिए अभी बहुत ज़रूरी है ये इलेक्शन, हम लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, खास करके पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में जिस तरह यहाँ पर शासन चला रहा है तो मेरे ख्याल से इसका परिवर्तन होना बहुत ज़रूरी है। और लेकिन ये अभी तो लोकसभा इलेक्शन है, तो लोकसभा इलेक्शन में हम लोग चाहते हैं प्रधानमंत्री जी का हाथ शक्तिशाली हो, और जो हम लोग का टारगेट है NDA सरकार, BJP NDA सरकार 400, ये उस बार ज़रूर पार होगा। और BJP अलग से खाली सिंगली जो 370 का जो टारगेट दिया है ये होगा, और पश्चिम बंगाल में जो टारगेट है आउट ऑफ 32 मिलेगा, तो ये भी टारगेट मेरे ख्याल से यहाँ पर फुलफिल होगा। सर स्वाती मलिक वालीवाल के ऊपर सर SL केस के ऊपर क्या कहना सर? देखिए आज आपने सर BJP हेडक्वार्टर्स में एक प्रोटेस्ट भी किया है, और अरविंद केजरीवाल ने ये भी कहा है कि BJP इनिशिएटेड ऑपरेशन झाड़ू ऑल्सो। देखिए ये ऑपरेशन झाड़ू ये सब जो भी है, लेकिन ये तो ऑपरेशन ये जो इन्हीं का याद ये है, राज्यसभा का सदस्य है वो गई है वहाँ पर, उनको क्यों मारा, उनका PA क्यों मारा उनको, तो नेचुरली जब केस उन्होंने किए तो ऑटोमेटिकली पुलिस वहाँ जाएगा ही, तो उसमें क्या है, ये तो नहीं होना चाहिए। तो धीरे धीरे सभी जगह से ये लोग जैसे पूरा इंडिजोट का एक एक पार्टी का जो लीडर्स है उनके बारे में पता लग रहा है। तो मैं समझता हूँ ये भारतीय जनता पार्टी हमारा जो केंद्रीय ऑफिस है वहाँ जाके जिस तरह ये लोग हल्ला कर रहा है वो ठीक नहीं है, ये होना नहीं चाहिए।